أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء دُنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين वसलात वसलम अला नबीना मोहम्मदिन वही वसहा वजवाद ही हजुलत अजमाइन अमन तब अहम बहसान इन इलाइम में तीन अम्मा बाग मोहतरम कराम ज़िम्मेदारान जमीत और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों मरकई जमीत की हकूम पर ये मतला में लिखा है भी उन्हीं लोगों ने दिया और मुत्य भी किया है मुस्लिम की ज़ाती ज़िंदगी में अहताल की ज़रूरत तो ये बारिक सा सावान है और ये उलमा और मसलिम के लिए ज़्यादा मुनासिब है लेकिन क्योंकि जो है आप हजरा सुन लीजिए इन कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा इसलाह के अफराध की हो या कौम की दुनिया की या दुनिया की हो एक अजीम शान मशन है अम्बिया कर राम अलह असलाह कौम के लिए मुकर किए जाते थे असल दिन तोहद आखिरत पर ईमान और अहकाम अकाम की परमाबरदारी है यही पहले इंसान आदम आसमाम का तरीक़ा था वो एक अल्लाह की बंदगी करते थे और आखिरत की कामयाबी के लिए ज़िंदगी के हर मामले में हुक्म लाही की पाबंदी करते थे उन्होंने अपनी औलाद को यही सबक सिखाया था लेकिन औलाद आदम शैतानी जाल में फंस कर अकीदे वमल की गुमराहियों मुतला हो जाती थी इसलिए अल्लाह तबारो को ताली ने अम्बिया कराम के सिलसिले को जारी किया ताकि औलाद आदम की असलाह होती रहे और हिदायत के तलबगारों को हिदायत मिलती रहे शुयब ने फरमाया इनद्लाह मस्ता तू उमा तोीकी बिल्ला तवकल तो वह ही हनी शुरू तर्जुमा मैं तो जितना हो सके इस्लाह का इरादा रखता हूँ और मेरी तोफ़ी अल्लाह की मदद से है इसी पर मेरा भरोसा है उसी की तरवजूह होता हूँ अम्बिया कराम के बाद उनके जानशीनों पर असलाह की जिम्मेदारी डाली गई रसोल्लाम ने फरमाया अलमा वरतलम्बिया इनमाबू दीनारो वरहमन वर्रतमिजी किताबल तर्जुमा अम्बिया दीनारम के वारिस नहीं बनाते बल्कि इम के वारिस बनाते हैं अम्बिया कराम के वारिसन पर जरूरी है तो की मुहिम को चलाएं अकीदा फिक्र की असलाह करें यानी जो नज़रियात वखबार और ख्याल किताबुल्ल् और, किताब और सन्नत रसूल से साबित न हों उनको दूर करें और अफराद और समाज को अकीदे की बदात और खुराफात से महफूज रखने की जद्दोजहद करें इसी तरह अमाल वखलाक की असलाह करें अफराद उम्मत जिन बदआमालियों और बदाखलाक़ियों हों उन्हीं इन बदमाल और बदलाक से दूर करें और अच्छे अखलाक वाल से आराम तस्कीर और वादो नसीहत के अलावा अमली इकदाम करें नबी सरमाया बोतम अखलाक अलमअझे महज अखलाक की अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है अम्बिया कराम अलहत की तरफ से इस्लाह उम्मत अल्लाह की तरफ से अल्लाह इसमत के लिए मुकर होते थे और उन्होंने अपने फरीज़े को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया इसलिए अल्लाह ने फरमाया फरमायाकिन अबी हद्दी सर्यान आम ये वो हजरात हैं जिन्हें अल्लाह तबारों को तला ने हिदायत दी बस तुम उनके नमूने की पैरवी करो अम्बिया कराम में तीन चीज़ें थीं नंबर एक इल्म नंबर दो किरदार नंबर तीन अमरी जिद्दोजहद वह जिसमें शामिल होते थे और हम हासिल करने की, की जिद्दोजहद करते थे अल्लाह ताला ने का लन फ़हदा उसने आपको सीधी राह से भटका हुआ पाया और बस आपको उसने हिदायत दी रसोलम ने फरमाया बुखारी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा इल्मा हूँ और तुम्हें सबसे ज़्यादा उससे डरने वाला हूँ नंबर अम्बिया कर राम अलहमसात सलाम आला अखलाक के हामिल होते थे अखलाक हसना जैसे सच बोलना अमानत दारी बहादुरी सखावत एशार वुरबानी सब्र वगैरह में मुमताज़ होते थे अल्लाह ताली ने फरमाया फरमायाक नज़ीम ए नबी बेशक आप सब अखलाक के हामिल हैं नंबर तीन अमली ज़द्दोजहद में मिसाली होते थे अल्लाह के बंदों की खैर खाही और उनको जहन्नम के रास्ते से हटाने और जन्नत के रास्ते पर लाने के लिए अनथक कोशिश करते थे यहाँ तक कि अल्लाह अखबारों को तला ने जायत नादिल फरमायला का बासी असफ़ा शायद आप अपने आप को हलाक कर लेंगे मारे गम के ये लोग इस किताब पर ईमान क्यों नहीं लाते उस दिन उम्मत को जो आप की जानशीन और वादिस हैं मुंदरज बाला उमर को जहन में रखते हुए असलाह के लिए अधीमान इसलाह के अजीमशान काम की तैयारी करनी चाहिए एतदाल जरूरी चीज़ है और अफरात व तफरीत हर मामले में नुकसानदेह है असलाह के काम में भी एतदाल लाजिम है और इसी तरह मुसलि की जिंदगी में एतदाल जरूरी है और अफरात तफरीत से दूर रहना इसलाह के काम को मौसर और मुफीद बनाता है अगर मुसलिन की जिंदगी में एतदाल ना हो बल्कि वह अफराद तफरीद का शिकार हों तो फिर इसलाह का काम ठप हो जाता है और बसा अवत बदनामी और खसारे का सबब बन जाता है मुंदर जैल उमू का ताल्लुक मुसलह की निजी जिंदगी से है इन उमूनी अफराद तफरी से बचते हुए इर्तदाल की राह पर कायम रहना मसलह के लिए जरूरी है नंबर एक हकूक की अदायगी अल्लाह तंदों के बंदों, बंदों के बंदों पर हकूक़ रखे हैं और उनको अदा करने में कामयाबी है अगर हकूकल ये में कोताही हो जाए तो उसका कोई मुदावा नहीं है क़्यामत के दिन बंदे अपने हक़ का मुतालबा करेंगे और हरगिज माफ़ नहीं करेंगे सुरैंसा तो की आयत छत्तीस में दस हकदारों का जिक्र है पहला हक अल्लाह ताली का है और वो उसकी बंदगी और उसके अहकाम की इतात है बाकी नौ हकदार इंसान हैं इन सब का हक उन इन सब का हक उनके साथ उसने सलूक करना है बस सलूकी यामत के दिन बोझ और अंधेरा बन जाएगा नौ हकदारों में सबसे पहला जिक्र वालदेन का है वालदे की हतल मकदूर खिदमत और उनका एहतराम और हर मुसलमान पर फ़र्ज है बिलखसूस मस्त पर असलाह का काम करने वाले पर मुबल पर वालदे के हकूक़ का कुरान कदी में मतदीद मौक़े पर जिक्र है यहाँ तक कि अल्लाह तबारक ने अपने हक़ के साथ वालदे के हक़ को जोड़ दिया है और इनके हक़ को तो तोहद के लिए तो के साथ मुतसर बनाकर फरमाया शादी लाही है

कि तुम सिर्फ उसकी इबादत करना और माँ बाप के साथ उसने सलूक करना अगर वो तुम्हारी जिंदगी में दोनों या एक बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो तुम उनको उप ना कहना और ना उनको झड़कना और इन दोनों से एहतराम के साथ बात करना और आजजी के साथ इस उनके लिए का बाजो पस्त करना और कहना अरे मेरे परोदिगार इन दोनों पर रहा फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी इसी मान वफूम की आयात बहुत सारी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालदे के हकूक़ और उनके साथ साथन सलूक की अहदीस कसरत से मरवी हैं मुसलह है कौम के लिए ज़रूरी है कि खिदमत वालदे में दूसरों के लिए मिसाल बने अगर उनकी खिदमत की वजह से अगरचे उनकी खिदमत की वजह से बाद नफली काम छूट जाएँ अल्लाह हज़ो ने अल्लाह दो बुजुर्ग रसूलों की खसूसियत बयान फरमाई कि वालदे के साथ हस्न सलूक करने वाले थे यही आलाम के मतलब इरशाद हुआ और उबर्रम यकुन जब्बारन असिया और वो अपने माँ बाप के साथ भलाई करने वाले थे और सरकश और नाफरमान न ना थे और हरत ईसा के मुल्ल इशाद हुआ और उबर्रम भीद थी वलम जलनी जब्बारन शक़िया और मुझे मेरी वाला के साथ भलाई करने वाला बनाया और मुझे सरकश ना बनाया। न बनाया वालदे के हकूक़ के बयान के साथ ये भी हुक्म हुआ कि उनकी इतात और ख़िदमत में अल्लाह की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए इर्शादी इलाही है वो इन जहाजा का अलांतुश का भी मालसल का भी हमा और साहिब हम फिर दुनिया मारूफ आ स लुकमान अगर वो तुझ पर दबाऊ डालें कि तुम मेरे साथ ऐसी चीज़ को शरीक करो जिसका तुमको इल्म नहीं है तो तुम इनकी बात मत मानना और दुनिया अमूर में उनके साथ अच्छे तरीके से रहना यानी इफरात तफरी नहीं होनी चाहिए माँ बाप की खिदमत में अल्लाह की नाफरमानी जायज़ नहीं है उनकी खिदमत में कोताही हराम है और अल्लाह यही जो है मामला दीगर रिश्तेदारों का और दीगर इंसानों के हकूक़ की, की अदायगी का है जहाँ तक मुमकिन हो रिश्तेदारों और दीगर हकदारों ने पड़ोसी साथी वगैरह के साथ उसने सलूक करना चाहिए लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना चाहिए आप से अल्लाह फरमाया लाता तशतुल मुस्लिम किताबुलमारा अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की ताद जाए नहीं है और अतदाल की राह यह है कि मखलूक के साथ उसने सलूक कीजिए और अल्लाह की नाफरमानी में किसी कस्म का ताउन ना कीजिए नंबर दो बीवी और औलाद के हकूक़ की अदायगी बीवी बच्चों के हकूक़ की अदायगी फ़रज़ इस्लाम में दाखिल है आ, उनके खाने उनके क़ियाम तमाम का इंतज़ाम करना और उनकी अच्छी तालीम और तरबियत हर मुसलमान पर ज़िम्मेदारी है अल्लाह हजनसात हाँ फरमाया क़ू अन हो अहली कुम नारा अय लोगो तुम अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ रसोल्लासात फरमाया कुल्लु कुमरायन वुल्लु मसूल रयती ही और रजुलरयन फी अहली वन अन रतीबुखारी किताबुलजुम में इसका हर शख्स ज़िम्मेदार है और अपनी ज़िम्मेदारी के मुतालिक पूछा जाएगा मर्द ज़िम्मेदार है अपनी ज़िम्मेदारी के मुतालिक पूछा जाएगा घर वालों के बारे में। मेंसलह को अपने घर वालों की नज़र निगरानी करनी चाहिए फिक्र करनी चाहिए और इफरात तफरी से बचते हुए अतदाल की राह पर चलना चाहिए बाज़ हजरात अपने अहलोयाल से लापरवाह हो जाते हैं और बाज़ हद से ज़्यादा सख्ती करते हैं और बाद उनकी मोहब्बत में गुरू करके हराम को हलाल कर लेते हैं इतदाल की राह पर चलते हुए अपने बीवी बच्चों की तलीम और तरबियत का खसूसी इंत, इंत, करना चाहिए सबसे बड़ा मसल सबसे बड़े मसलह रसलम थे अल्लाह तप के घर वालों पर खसूसी तोज्जो दी और इर्शादी इलाही हुआ या नसा अन नबी लस्तुल्न कह दीसा ए नबी के बीओ तुम आम औरतों की तरह नहीं हो और इनमां्लाधि बानक मिसाबेती रकुम तथहरा ए नबी की घरवालियों अल्लाह ताला। अल्लाह ताला तो बस यही चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर करे और तुम्हें खूब पाक को साफ़ करे यानी मुसल आज़म सलीसम की बीवियाँ अल्लाह के लिए इतनी अहम थीं कि बहुत ही प्यारे अंदाज में उनकी अहमियत को वाजे करके पाक दामनी और इबादत का तरफ मुतव किया गया हर मसलह की बीवी हर मसल को बीवी बच्चों पर तवज्जो करनी चाहिए और इफरात तफरी से बचते हुए और अहतदार की राह पर कायम रहकर उनकी तलीम तरबियत व ज़रूरियात का इंतज़ाम करें बीवी बच्चों रिश्तेदारों से गफलत नाकबिलबूल है कोशिश के बावजूद अगर असलाह ना होह ना हो सके तोफी अल्लाह के हाथ में है और जिसको चाहता है हिदायत देता है नंबर तीन रिश्तेदारों से रबत जब्त रिश्तेदारियों को बाकी रखना और उनकी खैर क्ही करना फ़र्ज़ है मसलह जब रिश्तेदारी का जोड़ना मसलह जब रिश्तेदारी का जो जो, का जो हवाला देना है तो जब मखातब मुतासर मसल जब रिश्तेदारी का हवाला देता है तो मखातब मुतािर होता है अम्बिया के राम कराम अपने मुखालफन को अय मेरी कौम कहकर मुखातब करते थे ताकि वो उनसे मानूस हो जाएँ और ज़हन असलाह कबूल करने के लिए आमदा हो बस दावत तोहैद और आखिरत की वजह से जब कौम दुश्मनी पर आमदा हो जाती और ऐसा सानी करने लगती तो अम्बिया के राम अलहलात रिश्तेदारी का हवाला देते थे और कहते थे कि मैं तो तुम्हारा रिश्तेदार हूँ कम अज़ कम रिश्तेदारी का तो ख्याल करो खुल्लाकुम अजरा अलमौदता फिलकुरवा आप कह दीजिए जब इस दावत का कोई मुआवज़ा नहीं मांगता हूँ सिवाय रिश्तेदारी के मोहब्बत के यानी मेरी दावत को कबूल करो या ना करो लेकिन रिश्तेदारी का तो अहतमाम करो मुसलह को चाहिए कि रिश्तेदारों से रब्त रखे उनकी खुशी में और गम में शरीक हो और साथ ही साथ मुनकरात पर नकीर करता रहे और रिश्तेदारों की बेजा तइज ना करे और ना उनसे कट कर रहे रबत जब्त की वजह से शायद हक को कबूल करें या कम अज़ कम दुश्मनी में कमी हो जाए नंबर चार माशी सरगर्मी माशी सरगर्मी से मकसूद यह है कि मुसलह अपने और अपने याल की गुजर बसर के लिए इंतज़ाम करे उसके लिए तजारत या मुलाजमत या कोई और सनत वरबत इख्तियार करे इसके जरिए इतनी आमदनी हासिल हो कि वो दस्ते सवाल दराज करने की नौबत न आए लोगों का मोहताज ना रहे बल्कि महज अजर व लिए इसह का काम करे यही अम्बिया सलाम की व तरीक़ा है वो अपनी ज़रूरत के लिए चंदा नहीं करते थे और न दस्ते सवाल दराज करते थे बल्कि अपनी माश का इंतज़ाम कर लेते और लोगों कहते से कहते कि मैं तुमसे किसी दुनई मुन का या माल का तलबगार नहीं हूँ बल्कि महज अल्लाह से अजर की उम्मीद में और तुम्हारी खैर खाही के लिए तुमको नसीहत करता हूँ और दिन की बातें पेश करता हूँ नूसलम ने फरमाया

ए मेरी कौम मैं तुमसे इस मामले में कोई मवदा नहीं मांगता मवदा तो मेरा मवदा तो जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है क्या तुम लोग समझते नहीं हो साल ने अपनी कौम से मुझसे कहा उमा समझ से मिन असल इन इल्ला अला रब्बिल आलमीन तर्जुमा मैं तुमसे इस दावत पर कोई मवदा नहीं मांग रहा हूँ मेरा मवदा तो जहानों के परवरदिगार के ज़िम्मे है लूदाम ने सद्दूम के बादशिंदों से कहा उमा आलमीन मैं तुमसे इस बात का कोई इस बात पर कोई मुआवजा नहीं मांगता हूँ मेरा मुआवजा तो जहानों के परवरदिगार के जिम्मे है ने ऐका के बाशिंदों से कहा उमा असअलकूम नजरन इन अजर आलमीन मैं तुमसे इस बात पर कोई मुआवजा नहीं तलब कर रहा हूँ मेरा मुआवजा तो जहानों के परवरदिगार के ज़िम्मे है रसूलों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल् ने कहा कुल माह तो कमल्लादा आप कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई मुआवज़ा तलब किया तो वो तुम्हारा ही है मेरा मावदा तो बस अल्लाह के ज़िम्मे है और हर चीज़ पर खूब गवाह है अल्लाह के रसूल सल्ला व्ल् अखराज के लिए कोई ना कोई पेशा इख्तियार कर, करते थे और इसकी आमदनी से अपने घर अपने अपने घर वालों की अखराज की तकमील करते थे बल्कि बाद की आमदनी तो खूब हुआ करती थी नूसलम बढ़ई थे इब्राहिम सलाम ताजिर थे दाऊद सलाम लोहार थे याकूब खेती बाड़ी करते थे इसमाई सलाम शिकार करते थे और हमारे रसूल हजरत मोहम्मद मतफ़ासी तजारत करते थे तो आज का दौर इख्तस का है हर शख्स मुश और असलाह का, का काम बैक वक्त नहीं कर सकता है लेकिन मसलह की कोशिश होनी चाहिए कि जरूरियात की तकमील में लोगों का मोहताज ना रहे न कस्ब दुनिया में गुम हो जाए और न लोगों के सामने सामदस दराज करे यही अहतदाल की राह है। नंबर पाँच तलब इल्म पर मुदावमत मसल जब मसल तलब इल्म और मुताले को तो मुहिदा से बेनियाज नहीं हो सकता अपने अवकात ज़िंदगी में से कुछ वक्त तलब इल्म और मुताले के लिए मखसूस करना चाहिए क्योंकि सलफ़ सालिहीन की कुतुब का मुताला रूहानी गज़ा है उससे ईमान मजबूत होता है और सबात ख़दमी हासिल होती है शलफ़ और मुताला का बराबर अहतमाम करते थे अहम से और अहले इम से मुलाकात और उनसे इस्तेफ़ादे के लिए तवील सफर की मशक्क़तों को बरदाशत करते थे अल्लाह जल ने हजरत मोहम्मद वसम को हुक्म दियाफ का हुक्म दिया फरमाया हुर रबी ज़िदनी आप दुआ कीजिए कि मेरे परिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा इस आयत के नजूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे रबी जदनी नाफिया अल्लाह मेरे इल्म नाफ़े में इजाफा फरमा और दुआ के साथ साथ जिद्दोजहद भी ज़रूरी है उससे मालूम हुआ कि मुसलह के लिए तलब इल्म व तलब इल्म ज़रूरी है और उसके लिए इसबाब इख्तियार करना चाहिए अलबतः इफराद तफरी से बचना चाहिए इफरात ये है कि बस मुताले में डूबा रहे गुम हो जाए और अमल असलाह को अंजाम ना दे और तफरीके है कि मुताल तुम छोड़ दे और महज याददाश्त पर इतफा करे इसकी वजह से अक्सर भूल और गलती वाक़ होती है इतदाल की राह यह है कि असलाही काम के साथ साथ मुलब इम के सिलसिले को जारी रखें नंबर छः हालात हाजरात से वाकफियत मुसलह के लिए ज़रूरी है ये मौजूदा सियासी व समाजी हालात से वाकिफ वाकिफ रहे आज की दुनिया तगैर पजीर है किसी चीज़ का ठिकाना नहीं है और देखते ही देखते हालात बदल जाते हैं हर दिन एक नया मसला और नई फिक्र जाहिर होती रहती है आ, इन हालात में तब्दीली और हालात में तब्दीली वाक़ होती रहती है अगर हालात से वाकिफ ना हो तो निक्कू और ना कम अकल होकर रह जाएगा और काम न कर सकेगा इसलिए मसल के लिए ज़रूरी है कि हालात से वाकिफ हो ताकि असलाह का काम मुफीद और मौसर हो वरना बाद वरना अवकात और सलाहियतें बे मुफीद और बेनतीजा कामों में ज़ाये हो जाएंगी। अम्बिया कर राम हालात से खूब वाकिफ होते थे रसोल्ला सम ने मक्के वालों के ज़ुल्म सितम को देख कर हफसा की तरफ हजरत का हुक्म दिया क्योंकि आप को मक् और हफसा के दोनों के हालात से खूब वाकफियत थी और आपको उम्मीद थी कि हमशा में अमन मिलेगा और मुस्तकिल ठिकाने होने तक अहिल ईमान वहाँ चैन से रह सकेंगे फिर आपको अल्लाह तबारों को दाला फिर आप नेफ़ का दौरा किया और मुख्तलिफ़ाइल के लोगों से मिलते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताल ने आपको मदीना मैसर किया जो आपका मुस्तिल ठिकाना साबित हुआ तो हालात हाजरा से वाकफियत मुसलह को आजजी ओबेबसी से निकालती है और पनाह का रास्ता दिखाती है इरशादी इलाही हुआ कुल हाद कुल हादद ही सबीली अजा अला बसी उमन तबानी सुबहान अल्लामान शकीन यूसुफ़ आप कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है और मैं मे, मेरी मेरा और मेरी पैरवी करने वालों का बसीरत की बुनियाद पर हम अल्लाह की तरफ बुलाते हैं अल्लाह की पाकि हो और मैं मुश्किन में से नहीं हूँ हालात से वाकफियत का मतलब सियासी और समाजी कामों में सरगर्म हिस्सा लेना और ज़िम्मेदार बनना नहीं है बल्कि असलाह के काम को मौसर मुफीद बनाने में कम से कम जद्दोजहद के जरिए ज्यादा से ज्यादा चायद को हासिल करना है और इतदाद पर कायम रहना है हालात से नावफ होकर अवकात और सलाहियतों को ज़ाय ना करे और न सियासी सरगर्मियों में कम खो जाए कि असल मकसद ही गायब हो जाए बल्कि मतलूब इसलाह का काम है असल वही असल मशन है और उसी को कामयाबी के साथ अदा करना चाहिए नंबर सात जिसम लिबास की सफाई ज़ाहरी पाकी व सफाई मतलू है अल्लाह ताला ने फरमाया विया बता हिर वरुजफ़ा हजुर और अपने कपड़ों को पाक सरो और गंदगी को छोड़ दो इस आयत में रसूल सबके उम्मियों को हुक्म दिया गया कि कपड़ों व जिसम को पाक व साफ रखें जिसम और कपड़ों की पाकि नमाज के लिए शर्त है गंदे जिस्म और गंदे कपड़ों के साथ नमाज कबूल नहीं होती है इंसान का ज़ाहरी मंजर दूसरों पर असरअंदाज होता है अगर जाहिर अच्छा हो तो अच्छा असर पड़ेगा और अगर जाहिर बुरा हो तो बुरा असर पड़ेगा तो जाहिर अंदरून का आयना होता है इससे जाहिर का अहतमाम करना और पाक साफ रहना ज़रूरी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म लिबास की सफाई का अहतमाम फरमाते थे आपका लिबास साफ़ और मुनासिब होता था आप कसरत से विशवाक करते थे सर में तेल लगाते सरमा अतर का खसूस इस्तेमाल करते और अतर से ख़ास दिलचस्पी थी आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कस्म के मैल कुचल से दूर रहते खुशबू का इस्तेमाल शौक से फरमाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पीने से ज़्यादा फिक्र विशवाक की और खुशबू की होती थी आप फरमाते थे अतूर शतुलमान पाकि सफाई ईमान का एक हिस्सा है ज़ाहरी पाकि सफाई ज़रूरी है इस मामले में अफरा तफरी से बचते हुए ऐतदाज पर कायम रहना चाहिए इफरात यह है कि पाकि सफाई में गुलू करे हर दम उसी उसी के उसी में मनहमिक रहे और उसकी बारिकियाँ निकालता रहे और तफरीत यह है कि पाकि सफाई से लापरवाह हो जाए ना सर का होश ना लिबास की फिक्र ना ना लिबास की फिक्र है और ज़ाहरी मंजर ढूँढा हो जाए जिसकी वजह से इसको गैरसंदीदा इंसान शुमार किया जाए लोगों की निगाहों में हकीर बन जाए बल्कि पाकि सफाई का मुनासिब करे और इसलाह के काम को अहमियत दे जैसा कि रसोल्ला वसम का तरीक़ा था नंबर आठ खर्च करने में अहतदाद जिंदगी के हर मामले में खर्च करने की जरूरत पेश आती है और माल इंसान के लिए आजमाइश है कोई हरात की राह पर चलता है और बेतहाशा माल को खर्च करके अल्लाह का नाशुकर बन जाता है और कोई तफरीद की राह पर चल कर जलीलोखार होता है मियाना रवि और खर्च में अतज़ाद जिस तरह आम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है इससे ज़्यादा मुसल के लिए मुलह के लिए अहम सिफत है अल्लाह हजल फरमाया मियाना रवि की तारीफ़ करते फ़रमाया वलैी नज़ा अन फखो लम युसरफु व लम यकू व का न बै नज़ाल काम ये लोग जब हैं जब खर्च करते हैं तो न फजूल खची करते हैं और न बकीली करते हैं बल्कि वो दरमियानी राह पर दूसरे तरीके पर चलते हैं अलगर मुसल के लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी के सारे मामलों में अतदाल की राह पर चलें इफराद तफरी से बचें इसी में अल्लाह अल्लाह रजू जल की रजामंदी है और यही निजात का रास्ता है और यही अल्लाह के रसूल सल्ला वल्लम की सुन्नत है वलिल्लाबी वसलम